हेलो एवरीवन गाइस, हेलो एल्किन और हेलो एरिन। चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखिए, एक एक मार्क्स में फिंकलिस्टीन और स्वॉर्ट्स रिएक्शन को याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने SN2 रिएक्शन की तरफ। SN2 यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू इल मिथेनॉल एंड क्लोराइड आयन फॉलो अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। द रेट डिपेंड अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हम CH3Cl लेते हैं, इसमें OH- न्यूक्लियोफाइल जो है CH3Cl पे बैक साइड से अटैक करता है, और जैसे ही वो बैक साइड से अटैक करता है कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड फ्रंट साइड से ब्रेक होने लगता है, ठीक है। तो बाद में जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। अब हम आपको एक एक लाइन से लाइन टू लाइन समझा रहे हैं, ठीक है। इट डिपिक्ट बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट विथ अल्किल हैलाइड कॉजिंग द कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक वाइल फॉर्मिंग अ न्यू कार्बन ऑक्सीजन OH बॉन्ड, ठीक है। जैसे ही OH आता है तो यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा तुरंत ही कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड ब्रेक होने लगती है। दीज टू प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। इसमें OH बॉन्ड का अटैचमेंट और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का ब्रेकिंग एक ही साथ होता है, इसमें कोई भी जो है इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक। एज द रिएक्शन प्रोग्रेस एंड द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन एटम स्टार्ट फॉर्मिंग द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड लिविंग ग्रुप वीकेंस, ठीक है, वो वीक होने लगता है। एज दिस हैपन द कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम अंडर अटैक इन्वर्ट इन मच द सेम वे एज एन अम्ब्रेला इज टर्नड इनसाइड आउट व्हेन कॉट इन स्ट्रॉन्ग विंड। ये ऐसे ही टर्न होता है जैसे कि अगर हम अम्ब्रेला को बहुत ही ज़्यादा हवा में बाहर ले जाएं तो वो टर्न हो जाता है। इसमें भी प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही बनता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक मिनट बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ये ऐसा कुछ है, और यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए ये कुछ ऐसा है आपका। यहाँ पे ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है ना, तो यही की कह रहा है कि यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। उसके बाद होता क्या है इसमें, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, तो आप इसको लिख लीजिएगा। बाकी इन द ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द आउटगोइंग लिविंग ग्रुप एंड सच स्ट्रक्चर आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी ऑसिलेटेड। क्योंकि देखिए, जैसे अगर OH इधर से पीछे से OH अटैक करे और आगे क्लोरीन भी रहेगा तो एक कार्बन की 5 वैलेंसी जो कि अनस्टेबल कर देगा कार्बन को, इसीलिए तुरंत कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और देखिए इसमें एक लाइन और है, सिंस द रिएक्शन रिक्वायर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बेयरिंग द लिविंग ग्रुप द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट और ऑन द नियर द कार्बन एटम है ड्रामेटिक इनहैबिटिंग इफेक्ट ऑफ द सिंपल अल्किल हैलाइड मेथिल हैलाइड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली। मेथिल हैलाइड इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि ये OH अगर इस यहाँ पे कार्बन से अटैच बल्कियर ग्रुप रहेंगे तो ये जो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है इसके अप्रोच को वो हिंडरेंस पहुँचाएंगे ना, क्योंकि जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप रहेगा कार्बन से अटैच तो न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत होगी। इसीलिए इसका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा CH3 का होता है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ओके, थैंक यू।